नमस्ते। आज हम सूर्य नमस्कार को विधि पूर्वक जान रहे हैं। उसमें कौन से आसन हैं, कहाँ पर श्वास को बाहर निकालना है, कहाँ श्वास को अंदर भर के रखना है, कौन सा आसन है, कितने कुल आसन होते हैं। तो सूर्य नमस्कार में मूल रूप से सात आसन होते हैं। पहला प्राणायाम आसन, दूसरा हस्तोत्तानासन, तीसरा पाद हस्तासन, चौथा अश्व संचालन आसन। एक पैर से दक्षिण से करेंगे तो दक्षिण, दाएं से करेंगे तो दक्षिण, राइट से और लेफ्ट से करेंगे तो वाम अश्व संचालन। पांचवा अधोमुख श्वान आसन या पर्वतासन भी कहते हैं। छठा अष्टांग आसन, सातवां भुजंग आसन। बस ये सात हैं, फिर पांच इनको रिपीट किया जाएगा तो पांच पूरे और हो जाएंगे। तो छठे और सातवें को रिपीट नहीं करते, बाकी के आसनों को रिपीट करते हैं पहले से लेकर पांचवें तक। तो 5 4 3 2 1 इस प्रकार से करके 12 तक पहुंच जाएगा। तो ये 12 आसनों से मिलकर के बना हुआ यह सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम सबको प्रतिदिन करना चाहिए। कहाँ पर श्वास भरेंगे, कहाँ छोड़ेंगे, क्या मंत्र हैं इसके, और मतलब ब्रीदिंग डिसिप्लिन, इनके आसनों के नाम और इनके मंत्र, आज तीन चीजें आपको बताने वाला। तो 3 बार मैं सूर्य नमस्कार करूंगा, तीनों बार एक एक चीज बता देता। यहां पर श्वास को सामान्य रखें, सामने देखें, शरीर तना हुआ, पैर मिले हुए, हथेलियों को यहां नमस्ते की मुद्रा में श्वास पूरा भरें, भरते हुए। और दूसरा वाला अभ्यास, इसको नमस्ते मुद्रा या नमस्कार आसन या प्रार्थना मुद्रा कहते हैं। दूसरे वाले में जाने से पहले पूरा श्वास भर के हस्तोत्तान आसन यानी कि दूसरी स्थिति बनाएंगे ऐसे। फिर वापस श्वास बाहर छोड़कर ऐसे लोअर पार्ट को बाहर ऐसे पीछे से धीरे धीरे बाहर निकाल कर आगे से आर्क बनाकर पूरा श्वास बाहर पाद हस्तासन। ऐसा नहीं लग पा रहा शुरू में ऐसा, फिर और ऐसा। कमर दर्द वाले आगे मत झुकना, कमर दर्द वालों को तीसरा अभ्यास नहीं करना। या फिर भी समस्या आ रही हो तो यूं पकड़ लेना प्रारंभ के दिनों में ऐसे। श्वास पूरा भर के चौथा अभ्यास दक्षिण अश्व संचालन आसन। दाएं पैर को आगे रखें, इसको 90 डिग्री रखें, दूसरे घुटने को पीछे जमीन पर लगा के रखें, पैर को लॉक रखें। ये दक्षिण अश्व संचालन। कुछ लोग इसको ऐसे भी किया करते हैं, ऐसे ना करके आप ऐसे करें तो ज्यादा सुविधाजनक होगा। श्वास बाहर, पांचवा अधोमुख श्वान आसन, दोनों पैरों को पास में, एड़ियां जमीन पर लगाए, नाभि को देखें। श्वास बाहर ही रहेगा 6 नंबर। पहले घुटनों को रखें, फिर छाती को जमीन पर रखें और फिर ठोड़ी को रखें, चिन को लगाएं और कोहनियों को अंदर चिपकाएं। श्वास फिर पैरों को ऐसे खोल लेंगे, फिर श्वास पूरा भरें। भुजंग आसन का अभ्यास, नाभि तक शरीर ऊपर उठाएं। मैं आपको श्वास का भी अभ्यास बता रहा हूं और आसन का भी नाम बता रहा हूं। श्वास बाहर 8वां नंबर अभ्यास, फिर से अधोमुख श्वान आसन, यहां से रिपीट हो जाएगा। जो 5 में था वही 8 में है, फिर जो 4 में था वो 9 में है। देखो दोनों हाथों के बिल्कुल समानांतर है ये पैर। इसको घुटने को लगा दिया जमीन पर, श्वास भरा और धीरे धीरे कमर मोड़ करके सामने की ओर देखें। दोनों हाथ बराबर बराबर मात्रा में लगे रहने चाहिए जमीन से, यूं नहीं कि ये वाला उठ गया, दोनों बराबर। 10 श्वास बाहर रहेगा, अभी 9 में श्वास अंदर था, 10 में श्वास बाहर। नहीं लग पा रहा, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। धीरे धीरे आप ऐसे पकड़ने लगेंगे तो ऐसे 11 श्वास पूरा भरते हुए हस्तोत्तान आसन। बारह श्वास बाहर,
और वापस आ जाए। मंत्र के साथ करते हैं, करेंगे। एक, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। एक दो तीन चार श्वास के साथ देख लेते हैं। एक श्वास सामान्य, श्वास भर के दो, श्वास बाहर तीन, श्वास भरे चार, श्वास बाहर पांच, श्वास बाहर ही रहे छह, श्वास भरे सात, श्वास बाहर आठ, श्वास भरे नौ, श्वास बाहर दस, श्वास भरे ग्यारह, श्वास बाहर बारह। ये बारह अभ्यास और हाथों को साइड से नीचे, ये सूर्य नमस्कार का एक संक्षिप्त प्रारूप आपको बताए। इसको प्रतिदिन आप पांच बार कम से कम करिए, पूरा समय देके करिए। हर आसन में 5 से 7 सेकंड, 10-10 सेकंड तक कम से कम रुकिए, तब जा करके इसका कुछ लाभ होगा। पूरे शरीर में ऊर्जा का स्रोत अगर बढ़ाना है आपको तो ये सूर्य नमस्कार बहुत जबरदस्त है। रीढ़ की हड्डी को लचीला करता है, सदा जवान बनाए रखता है, हड्डियों को मजबूत रखता है, ब्रेन को एक्टिव रखता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, मांसपेशियों को अच्छा रखता है, शरीर का शेप बना के रखता है। और क्या चाहिए, शेप चाहिए, शेप के पीछे पूरी दुनिया पागल है। आज सूर्य नमस्कार में इतना ही, आज के कार्यक्रम में भी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।